आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है और चौपट विधायक कलावती भूरिया ने सदन में सनसनीखेज आरोप लगा दिया। अलीराजपुर के पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान पर उन्होंने आरोप लगाया और कलावती ने नागर सिंह चौहान से जान का खतरा बता दिया। तो कलावती के बयान के बाद सदन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान दिया और कहा कि विधायक किसी भी दल का हो, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सदन में आदिवासी क्षेत्रों के कांग्रेस विधायकों का हंगामा और नागर सिंह चौहान की गिरफ्तारी की मांग भी की गई। विधायकों के हंगामे पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी बात रखी और कहा कि लोकल पॉलिटिक्स है, इसमें आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का आज चौथा दिन और आज जोबट विधायक कलावती भूरिया ने एक बड़ा आरोप लगाया अलीराजपुर के पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान पर। आरोप लगाते हुए उन्होंने जान से जान का खतरा बताया। हमारे विशेष संवाददाता विजय मानके जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। विजय जी, वाकई में एक बड़ा और सनसनीखेज आरोप सदन में लगाया गया है, इसके बारे में विस्तार से आपसे जानकारी चाहेंगे। जी जया, सबसे अहम बात यह है कि जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, उसी दौरान कलावती भूरिया क्योंकि जब बारी आई तो उन्होंने ये बात अपनी रखी और उनका ये साफ तौर पर कहना था। उन्होंने जो सदन में जिस शब्द के जरिए ये कहा कि पूर्व विधायक जो नागर सिंह चौहान हैं, उनसे उनकी जान को खतरा है, वो उनकी हत्या करवा सकते हैं, ऐसा सनसनीखेज आरोप लगाया। और इस पर जो है वो आदिवासी क्षेत्रों के जो कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने पूरे सदन में हंगामा किया और मांग की कि कलावती भूरिया को जो है वो सुरक्षा दी जाए। और मुख्यमंत्री ने भी अपनी जगह से उठकर कहा कि विधायक किसी भी दल का क्यों ना हो, उसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार की है। लेकिन जो कांग्रेस के विधायक है वो इस बात पर अड़े रहे कि जो पूर्व विधायक है नागर सिंह चौहान, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। तो इसी बात पर जो है सदन में थोड़ा हंगामा भी हुआ, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच में बहस भी हुई और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह जरूर कहा कि चूंकि ये स्थानीय राजनीति का एक हिस्सा है और कलावती भूरिया नागर सिंह चौहान दोनों एक दूसरे पर इस तरह से आरोप लगा चुके हैं मीडिया के सामने, तो सदन में इसकी चर्चा न की जाए और जो भी सुरक्षा का भरोसा मुख्यमंत्री ने दिया है तो विधायक को घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन ये जो पूरा मसला है, जैसे कलावती भूरिया ने पहले भी आरोप लगाए थे कि वो सदन में इस बात को उठाएगी, तो उन्होंने आज इस पूरे मसले को उठाया है और जोरदार तरीके से आरोप लगाए, हालांकि भरोसा भी दिया गया है सदन की तरफ से कि उन्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया विजय जी जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का चौथा दिन और विधानसभा में कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया ने एक बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया और कहा कि अलीराजपुर से जो पूर्व विधायक हैं नागर सिंह चौहान मेरी हत्या करा देंगे, खुलेआम मुझे धमकियां दी जा रही है, ये बयान दिया गया। जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा कि विधायक कोई भी हो, किसी भी दल का हो, उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार की ही होती है। सोसाइटियों के माध्यम से कुछ लोगों ने बहुत प्लान से, जो गरीब लोग हैं, कटिंग काटते हैं या छोटी छोटी मजदूरी करते हैं, वो 150 रुपये डेली निकालते हैं। उनकी इच्छा रहती है कि बच्चों की शादियों के लिए, बच्चों के और कार्यक्रम के लिए, घर मकान बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा वो जमा करते रहते हैं। वो जमा के माध्यम से जब मालूम पड़ता है कि 2-3 लाख रुपये, 5 लाख रुपये हो गए, तो कई लोग वो अपना ऑफिस बंद करके भाग जाते हैं। इन सब विषयों पर भी उनके ध्यान आकर्षण के पहले ही मैंने 23 तारीख को ही इस पर एक जाँच दल का गठन कर दिया। अभी एक भोपाल से भी इसमें एक जांच दल बना के हम भेज देंगे, टाइम बाउंड कम समय में भी इसकी जांच करा के इस पर कार्रवाई करेंगे। और भी हमारे मित्रों ने जो हमको दिया, एक आरिफ मसूद जी थे, एक विनय जी थे, पीसी शर्मा जी ने भी कुछ कहा, हिना काबरे जी ने भी कुछ कहा, ऐसे और भी विधायकगढ़ जो है हमारे कांग्रेस के मित्र विधायकगढ़ों ने जहाँ जहाँ होगी इस शिवराज सरकार की मनसा है, ऐसे सभी जगह जांच दल भेजेंगे। आवश्यकता हुई तो इसको हम UOW को भी दे देंगे और UOW भी लंबे समय तक इसको ना खींचे, उनके भी DG वगैरह सभी को बातचीत करके कम समय में इसको पूर्ण करें, ऐसा मैंने सदन में आश्वासन दिया है, बोला है।
एक्चुअली ऐसा कोई पूरे प्रदेश का विषय आया नहीं है। इसमें दो प्रकार के चिटफंड कंपनियों पे 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने दो एक पे कार्रवाई की, मुझे पता नहीं है। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने भारी मात्रा में कार्रवाई की है, कई सौ करोड़ रुपए की वसूली करके उनके खाते में डाली है। आगे भी चिटफंड कंपनियों में जो धोखाधड़ी हुई है उन सबके वसूली करके एक कार्यक्रम करके उन सबके खाते में भी पैसा डालेंगे, जिन बेचारे गरीब लोगों के ये धोखेबाज लोग षड्यंत्र करते हैं धोखेबाजी।